आज तो बिना बात के आठ हजार का खर्चा हो गया दरअसल बात कुछ ऐसी कि मेरे पापा ने दो महीने पहले एक नया फोन लिया था जो था सैमसंग का ए नॉ फोर ही अब मैं हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा इसलिए यह फोन हमने ई एम आई पर लिया था इसलिए मैंने अपने पहले हफ्ते के दो दिन पहले अपने अकाउंट में पैसे जमा कर दिए लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बैंक अकाउंट से मेरा पहला हफ्ता डेबिट ही हुआ और ऊपर से पांच सौ रूपये की पेनल्टी भी लग गई इसीलिए बिना किसी देरी के अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर मैं पहुंच गया दुकान वाले मोबाइल पर जहाँ पर पहुंचते मैंने अपनी सारी समस्या को दुकान पर काम करने वाले भैया को बताया और फिर मुझे पता चला की मेरे पापा का ये मोबाइल बजाज फाइनेंस के ईमआई पर नहीं बल्कि सैमसंग के डीएमआई पर लिया और इसमें तो मेरा बैंक अकाउंट लिंक ही नहीं है यानी कि यह प्रॉब्लम मुझे बार बार आने वाली है और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं बाकी बचे हुए हुई का पेमेंट भी एक साथ कर देता हूँ जिसके बाद मैं बाहर निकलाई थे की मुझे अपने कुछ सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं और फिर उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करके मैं अपने घर निकल आया मैं घर पहुंचा ही था की मैंने देखा की पेन का सेक्शन बिल्कुल खाली हो चुका है इसलिए सबसे पहले मैंने बहुत सारे पेन को निकाला और फिर मैं बाकी के कामों में लग गया